अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम नदीम इकबाल है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम ब्रोकन महसूस करते हैं, हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, या हम खाली खाली सा, एम्प्टी सा महसूस करते हैं, जैसे कुछ खो गया है। और ये ऐसी चीज़ है जो हम सब की ज़िंदगी में ही कभी ना कभी आती है। इसे हम ये कह सकते हैं कि एक आम सी चीज़ है जो सब को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। और जनरली ऐसी फीलिंग हमारा कोई लव्ड वन जब इस दुनिया से चला जाता है तो आती है, या हमारा कोई लव्ड वन हमसे बिछड़ जाता है, हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो आती है, या हमारा कोई बहुत अहम काम हम करना चाह रहे हों मगर हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, या हमें कोई फेलियर मिलता है तो ऐसी फीलिंग आती है, या हमारा कोई प्यारा बिछड़ जाता है तो ऐसी फीलिंग आती है, या हमारी कोई बाज़ लोगों को जॉब उनकी जब चली जाती है तो ऐसी फीलिंग आती है, या कोई लॉस हो जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई बिजनेस लॉस हो जाता है तो ऐसी फीलिंग आती है। और आज की इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी ऐसा फेज आए, ऐसी फीलिंग आए, तो वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने उस फेज़ को बैलेंस कर सकते हैं या उस फेज़ से अच्छे तरह से गुजर सकते हैं, क्योंकि फेज़ तो जनरली आता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सो जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको इस फेज़ से निकलने में हेल्प कर सकता है या इस फेज़ को, इस तरह की फीलिंग को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, वो ये है कि आप बाहर निकलें। आप अपने आप को किसी जगह पे बंद ना करें, आप बाहर निकल के फ्रेश एयर में घूमें, आप बाहर निकल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आप बाहर निकल के किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, आप सिनेमा मूवी देखने जा सकते हैं, बट आप अपने आप को एक उस जो एक लोकेशन है उस जगह से बाहर निकालें। जितना आप बाहर निकलेंगे, फ्रेश एयर में आएंगे, फ्रेश एयर में आके आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जनरली लोग ये गलती करते हैं कि जब वो टूटा हुआ महसूस करते हैं, एम्प्टी महसूस करते हैं, तो वो अपने आप को एक जगह पर महदूद कर लेते हैं, अपनी मूवमेंट को महदूद कर देते हैं, जिससे उनका वो फेज़ और लंबा हो जाता है और उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको इस फेज में हेल्प कर सकता है, वो ये है कि आप कोई ऐसा शख्स ढूंढें जो आपका प्यारा हो, जो आपसे ज़्यादा वाइज हो, समझदार हो, जिनका कामयाबियां लूटने का ट्रैक रिकॉर्ड हो। आप अपनी तमाम तर फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा कामयाब होंगे, वो कामयाबियाँ लूटने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो आपको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं, दूसरा आपका कैथारसिस होगा। क्योंकि जब हम अपने उन मामलात को, हम अपनी उन फीलिंग्स को जो हमारे लिए पेनफुल होती है, शेयर करते हैं, तो हमारा अपना दिमाग भी हमें सॉल्यूशंस देना शुरू कर देता है और उसकी रेमेडी का काम शुरू कर देता है। जनरली लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जब उनको ऐसी फीलिंग्स होती हैं तो वो शेयर ही नहीं करते हैं, उनको हाइड करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर अमूमन ब्लास्ट करती हैं। पेनफुल फीलिंग्स को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर किसी कामयाब शख्स से, किसी समझदार शख्स से, किसी कामयाबियाँ लूटने वाले, ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले शख्स से शेयर करेंगे, तो वो अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस चीज़ को ऑर्डिनरी समझें, कि ये एक आम सी बात है कि कभी भी ऐसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये इस दुनिया का लॉ है, ये इस दुनिया का के निज़ाम का हिस्सा है, कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें टेम्परेरी हैं। हर चीज़ ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना होता है, जैसे कि इस दुनिया का ये भी हिस्सा है कि ये दुनिया कम्बिनेशन है गुड एंड बैड का। इस दुनिया में सब अच्छा नहीं है, अच्छे के साथ बुरा है और बुरे के साथ अच्छा है, और अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा चलता रहेगा। और हमें अच्छे पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और बुरे पे अगर कुछ बुरा होता है तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होते हैं। तो अपने आप को ऑर्डिनरी समझें कि आप कोई फरिश्ते नहीं हैं, आप कोई स्पेशल नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा नहीं होगा, या जो आपकी ज़िंदगी में आप चीज़ें आपसे जाएंगी नहीं, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये एक नॉर्मल आम सी बात है। सो ऑर्डिनरी इन चीज़ों को समझें। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि, और आज साइंस इस चीज़ को वेरीफाई भी करती है, कि जितना ज़्यादा हम सफाई सुथराई के काम करते हैं, वो हमारे ऐसे फेज़ में हेल्पफुल साबित होते हैं। जनरली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब ऐसा कोई फेज़ आता है, नहाना धोना छोड़ देते हैं, शेव करना छोड़ देते हैं, बालों को ट्रिम करवाना छोड़ देते हैं, नेल्स को ट्रिम करवाना छोड़ देते हैं, अपना रूम मैसी कर लेते हैं, चीज़ें इधर उधर डिसऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब कभी ऐसी फीलिंग आए, तो वो काम जो
आपने काफ़ी अरसे से नहीं किया, आपने अपनी वार्डरोब नहीं सेट की, आपने अपना कबर्ड नहीं सेट किया, आपने अपना हमारे साइड टेबल में ऐसी बहुत सी फजूल चीज़ें पड़ी होती हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता, ऐसे एक्सपायर्ड बिल्स पड़े होते हैं, रिसीट्स पड़ी होती हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता, हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। आप करके देखें, आपको बड़ी गुड फीलिंग आएगी। आप अपना रूम सेट करें, अगर आपके इसके बाद भी आपके पास टाइम है, आप अपने घर का किचन सेट करें, आप दूसरी जगह सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड काम करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे, वो चाहे अपने कमरे से रिलेटेड है, आप अपने शू पॉलिश कर सकते हैं, अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा ये काम करेंगे ये इस फेज़ में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आप इसके साथ साथ एक और पॉइंट ये है कि आप दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, आप फनी मूवी वॉच कर सकते हैं, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है कोई अच्छाई करें, आप किसी के साथ कोई नेकी करें, कोई भलाई का काम करें, किसी की कोई हेल्प कर दें, क्योंकि जो फीलिंग किसी के साथ कोई भलाई करके, किसी की कोई हेल्प करके आती है, वो गुड फीलिंग मेरे ख्याल में किसी और काम में नहीं आती। सो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस फेज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या इस फेज़ से अच्छे से निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।